हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट। एक्सक्यूज मी, ये होस्ट नहीं है, मैं हूं आपका होस्ट। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रचित पुंगाल। आज मैं आपको हमारे नए फैमिली मेंबर से मिलाऊंगा, ये है फॉक्सी। व्लॉग स्टार्ट होने से पहले मेरे से आप लोग पूछो कि ये कौन सी ब्रीड है, ये कहाँ से लाए, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये मैं कहीं से लेके नहीं आया इसको, ये और ये स्ट्रीट डॉग है। इसके साथ एक एक्सीडेंट हो गया था, इस वजह से मैंने इसको अडॉप्ट किया है। 14 अप्रैल को मेरे को पता चला कि एक डॉग हमारी स्ट्रीट में मतलब बहुत जोर से रो रहा था वो, तो मेरे सामने मेरे मतलब कि रिलेटिव रहते हैं, तो उन्होंने मेरे को बुलाया और रात को कम से कम 9 बजे थे, तो उस टाइम ये डॉगी रोन लग रहा था, मतलब बहुत जोर से रो रहा था। तो मैंने देखा तो मैंने इसे देखा कि भाई ये ना तो उठ पा रहा है और ये बहुत बुरी तरीके से रोने लग रहा था, तो मैंने आसपास लोगों से पूछा कि क्या हुआ इसको, तो उन्होंने बताया कि एक दूसरा डॉग है उसने इसको मारा है और इस वजह से मतलब कि इसको चोट लग गई है, तो इसको मैं अपने पास लेके आया। क्या हुआ बेटे? हाँ चलो नीचे उतर जाओ, लो 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 खेलो लो। तो मैं इस डॉग को अपने पास लेके आया, फिर मैंने इसकी मतलब कि इसको थोड़ा कोशिश करी कि ये पानी पी ले या दूध पी ले, तो ये पी नहीं रहा था, कुछ भी नहीं पी रहा था, मतलब ये बहुत ज्यादा डरा हुआ था। तो मैंने सोचा इसको मैं सुला देता हूँ और सुबह देखूंगा। तो ये पूरी रात भर ये सोया, ना मच्छर ने इसको तंग बहुत ज्यादा करा, तो मैंने इसके सुला दिया इसको, कैसे तैसे करके इसको सुला दिया। और सुबह फिर मैं इसके पास वापिस आया तो मैंने देखा, तो फिर मेरे को पता चला कि ये उठ ही नहीं पा रहा है। तो इसके जो पीछे वाले मैं आपको दिखाता हूँ, ये ओ फॉक्स बेटा, तो ये इसको मैं तंग नहीं करना चाहता, इसके यहां से इसके पीछे का जितना भी पोर्शन है ये बिल्कुल भी हिला नहीं रहा था, इसको ये बिल्कुल भी मतलब कि हिला नहीं पा रहा था इस चीज को, और इसको यहाँ पे दर्द है, जब इसको ऐसे उठा रहे थे ना यहाँ पे तो इसको दर्द हो रहा था। तो फिर इस तो मेरे साथ में जो नेबर है उनको भी डॉग बहुत ज्यादा पसंद है, तो उन्होंने और हमने सोचा कि इसको वेट के पास लेके जाना जरूरी है, पर लॉकडाउन था इस वजह से कोई भी वेट खुला नहीं था। पर अच्छा ये हुआ कि मैं जैसे हिसार में रहता हूँ तो यहाँ पे HAU है, हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, और वहाँ पे लुआस है, तो वहाँ पे वेटनरी हॉस्पिटल है, उधर सरकारी हॉस्पिटल है वो, तो वो खुला हुआ था, हमने पूछा, तो फिर हम इस डॉग को लेके वहां चले गए। तो वहां पर इसकी मतलब कि उन्होंने कहा कि इसका एक्सरे वगैरह कराओ, तो ये 15 तारीख को हम गए उसके पास और उन्होंने एक्सरे वगैरह कराया, तो हमें पता चला, उन्होंने हमें ये बताया कि इसके जो वर्टिब्रे है ना उसमें 10th और 11th वाली वो डिसलोकेट हो गई है, तो फिर इसकी वजह से इसके जो ये पीछे का पोर्शन है ये हिला नहीं पा रहा था बिल्कुल भी, और इसको दिक्कत इसलिए आ रही थी, ये इसलिए नहीं चल पा रहा था। तो फिर और उन्होंने कहा कि अगर इसको किसी डॉग ने मारा होता तो इसके निशान होने थे, पर इसके कहीं भी निशान नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि इसके कहीं ना कहीं स्टिक लगी हुई है, किसी ने इसके स्टिक मतलब डंडा मारा हुआ है। तो फिर ये बात सुन के मेरे को बहुत ज्यादा बुरा लगा कि इतनी छोटी सी जान है, ये मुश्किल से 1.5 महीने का हुआ है डॉग, मुश्किल से 1.5 महीने का डॉग है, और इतनी छोटी सी जान के कौन कितने कैसे लोग होते हैं जो इनके ऊपर मार देते हैं, मुझे ये नहीं समझ आता। और ऐसी ऐसी बुरी चीजें होती हैं यहाँ पे, तो इस चीज को देख के फिर मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गया कि यार इनको कोई मार सकता है तो कितने कैसे लोग होंगे। फिर मेरे पेरेंट्स ने कहा कि बेटा तेरे को इनका लिए काम करना पड़ेगा, तेरे को खुद एग्जांपल सेट करना पड़ेगा तो और लोग समझेंगे। तो फिर इसलिए अब ये डॉग जो है इसके बच्चों की तरह केयर करनी पड़ेगी, जैसे न्यू बॉर्न बेबी होता है वैसे इसको केयर की जरूरत है, क्योंकि इसको प्रॉपर उन्होंने कहा है जो डॉक्टर्स है उन्होंने इसकी हीलिंग के लिए मेडिसिन दी है और इसकी कैल्शियम की मेडिसिन दी है ताकि इसकी बोन्स जल्दी रिकवर कर जाए। तो उसके बाद से इस छोटी सी जान ने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं आ रही है, ये बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया, उसके बाद से इसको अच्छा तरीके से खाना मिल रहा है, प्रॉपर तरीके से खाना खा रहा है, और उन्होंने कहा है कि इसकी थेरेपी करोगे ना आप तो इसकी रिकवरी के चांसेस है। तो ये अगर आप लोग मुझे चाहोगे कहोगे कमेंट सेक्शन में कि मेरे को बताओ कि क्या एक्सरसाइज करवानी चाहिए ताकि ये डॉग इस तरह की जो डिजीज होती है उससे रिकवर कर पाए। तो ये यूरिनेट भी नहीं कर पाता था, ये भी एक प्रॉब्लम है, इसको पता ही नहीं चलता था कि कब करना है, तो फिर इसकी भी एक हमने हल निकाला है। और अगर आप लोग कहोगे तो मैं आपको व्लॉग में बता दूंगा एक अलग से वीडियो बना के कि कैसे यूरिनेट करवाए इसे, तो मैं बता। फिर उसके बाद इसकी एक्सरसाइज हुई तो इसने हिम्मत दिखाई है थोड़ी बहुत, और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, देखो इसकी टंग वर्क नहीं कर रही थी बिल्कुल भी, और ये देखो ये अगर इसको आप थोड़ा सा ऐसे करोगे ना तो ये देखो
ये देखो ये पीछे खींच रहा है, तो थोड़े चांसेस है कि ये रिकवर कर जाए, अच्छे चांसेस, और ये रिकवर करेगा क्योंकि ये बहुत अच्छा डॉग है। आवाज बुलंद करो, अगर आपको दिखता है ना कि इनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं तो हम ही है, क्योंकि सब लोग आजकल, थोड़े दिन पहले एक और बात मैं बता देता हूँ खत्म करने से पहले, एक आंटी जी थी जो यहाँ से जा रहे थे रास्ते से, जब हम इनको देख रहे थे तो उन्होंने हमें कहा कि ये सिर्फ तुम्हारे क्यों टकरते हैं। मैं ये थोड़ी अपनी देसी भाषा में बोलूंगा कि ये कहते हैं कि ये तुम्हारे क्यों टकरते हैं, तो हमने ये कहा कि भाई दिखते ही हमें ये, क्योंकि आप सब समझ जाओगे जो समझदार है, क्योंकि ये दिखते ही हमें है। अगर आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हो, ऐसी अच्छी वीडियोस देखना चाहते हो इनकी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें सबसे पहले, और इसे आपके जो और एनिमल लवर दोस्त है उनको ये चैनल शेयर करें और उनसे भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।